सो एनोड रॉड जो गीजर्स में होती है वो क्या रियली में यूजफुल होती है, एंड होती है तो वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और अगर हमारे यहाँ पे हार्ड वाटर आता है तो हमारे लिए कौन से मटेरियल की जो एनोड रॉड है वो सबसे बेस्ट रहेगी, एंड अगर हमारे यहाँ पे हार्ड वाटर नहीं आता है तो क्या हमें अपने गीजर में एक एनोड रॉड की ज़रूरत है या नहीं, और एनोड रॉड जिन गीजर्स में होती है उनका जो एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कितना ज़्यादा पड़ता है, एंड सबसे बड़ा सवाल कि कितना एक्स्ट्रा पे करना सही रहेगा एक एनोड रॉड वाले गीजर के लिए, और क्या ये मस्ट है अगर हम अभी इस टाइम पे कोई अपने लिए नया गीजर लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो। तो अगर आपके भी यही क्वेश्चन है या फिर आपका कोई भी अदर क्वेश्चन एनोड रॉड से रिगार्डिंग, तो इस वीडियो में आपको उन सब क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर मिलेंगे, वो भी पॉइंट बाय पॉइंट। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक वर्किंग या बोल लो डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एनोड रॉड एक टेम्प्रेरी रॉड होती है अपने गीजर्स में, जिसका काम पानी में डिजॉल्व मिनरल्स, सेडिमेंट्स या फिर जो भी अपने कोरोजन कॉजिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करना होता है, जिससे गीजर का जो इनर टैंक होता है उस पे कोरोजन एंड जो रस्टिंग है उसके चांसेस कम हो जाए, एंड साथ ही में गीजर के एलिमेंट पे भी जो अपने मिनरल्स एंड जो सेडिमेंट्स है वो ना जमे। सो बेसिकली एनोड रॉड की वर्किंग कुछ ऐसी होती है कि एनोड रॉड एक ऐसे मेटल से बनाया जाता है जिस पे कोरोसिव के चांसेस स्टील से ज्यादा होते हैं, यानी कि जो रस्टिंग होती है वो उस मेटल पे इजीली हो जाती है एज कम्पेयर टू स्टील। सो वाटर के जो डिजॉल्व मिनरल्स एंड सेडिमेंट्स होते हैं वो गीजर के टैंक या हीटिंग एलिमेंट को करोड करने की बजाय अपने जो एनोड रॉड है उसको करोड करते हैं, क्योंकि एनोड रॉड स्टील टैंक या अपने हीटिंग एलिमेंट से ज्यादा कोरोसिव होता है, एंड इसलिए एनोड रॉड को सैक्रिफिशियल एनोड रॉड भी बोला जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस सैक्रिफिशियल नेचर आपको एनोड रॉड को हर 3 से 5 साल में चेंज करना होता है, एंड यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप एनोड रॉड चेंज कराओ अपने गीजर में, उस टाइम पे आप अपने गीजर को अच्छे से खोल के फ्लश करवाओ, एंड सॉफ्ट ब्रश से अपने गीजर के अंदर जमी हुई गंदगी एंड जो अपने गीजर के हीटिंग एलिमेंट पे जमी हुई वो गंदगी है जिनको आप मिनरल डिपॉजिट या फिर सेडिमेंट्स बोल सकते हो उनको अच्छे से साफ करवाओ, क्योंकि अगर ये आपके गीजर टैंक में पड़ा रहेगा, आपके हीटिंग एलिमेंट एंड टैंक में जमा रहेगा, तो वो कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा, लाइक अपने जो वाटर का फ्लो है वो कम हो जाना, कम पानी स्टोर होना, पानी गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगना, या फिर जो गीजर में पॉपिंग साउंड हमें देखने के लिए मिलती है पानी की वो ज़्यादा आना, बाकी गीजर में जो अपना एनोड रॉड चेंज करने का टाइम और यू कैन से अपना जो मेंटेनेंस करवाने का टाइम है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आता है लाइक ग्राउंड वाटर, या फिर आपके यहाँ पे सॉफ्ट वाटर आता है लाइक म्यूनसिपैलिटी वाटर, और आप अपने गीजर को कितना यूज़ करते हो, आपके गीजर का साइज़ क्या है, एंड आप किस तरीके से मेंटेन करते हो, आप बिफोर सीजन एंड आफ्टर सीजन अपने गीजर को फ्लश करते हो या नहीं करते हो, इन चीज़ों पे भी जो अपना मेंटेनेंस टाइम है वो काफ़ी डिपेंड करता है। और यहीं पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जो क्रस्ट है, जो करोजन है, वो किसी भी टाइप के पानी से लग सकती है, चाहे वो हार्ड वाटर हो, सॉफ्ट वाटर हो या फिर डिस्टिल वाटर ही क्यों ना हो, बस सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है रस्ट करने की, एंड इसलिए आपको मोस्टली जितने भी अपने स्टोरेज टाइप वाटर गीजर्स होते हैं जो उसमें ज़्यादा पानी स्टोर रहता है उसमें आपको एनोड रॉड ज़रूर से मिले, और वैसे अगर आप चाहो तो अपने गीजर से आप एनोड रॉड को निकाल के चेक कर सकते हो, एंड अगर आपकी जो एनोड रॉड का जो साइज़ है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर वो हाफ हो जाता है तब आपको अपने जो गीजर का एनोड रॉड है उसको चेंज करना है। और बाकी एनोड रॉड की प्राइसिंग की बात करें तो ये कोई एक्सपेंसिव पार्ट नहीं होता है, और ये आप अपने ब्रांड के सर्विस प्रोवाइडर या फिर लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, एंड एनोड रॉड का जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है उसके साइज पे एंड उसके मटेरियल पे, यानी कि आपकी जो एनोड रॉड है वो किस मटेरियल की बनी हुई है। और वैसे मैं इतना कह सकता हूँ कि जितना कॉस्ट आपको जो एनोड रॉड है उसको चेंज करवाने में एंड प्रॉपर फ्लशिंग करवाने में आएगा, उतना कॉस्ट आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जरूर वसूल कर लोगे इन टर्म्स ऑफ लॉन्गर लाइफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गुड एक्सपीरियंस, लेस हीटिंग टाइम। नाउ यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनोड रॉड। तो बेसिकली एनोड रॉड 3 टाइप के मेटल से बनती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक एल्यूमिनियम, एंड जो अपना जिंक एल्यूमिनियम है उसमें 10% ऑफ जिंक होता है। बाकी इनमें से जो मैग्नीशियम की एनोड रॉड होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है अपने गीजर को, एंड अगर आपके यहाँ पे सॉफ्ट वाटर आता है देन आपके लिए मैग्नीशियम की एनोड रॉड सबसे बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आता है या फिर आपके यहाँ पे जो वाटर आता है उसका पीएच लेवल ज़्यादा होता है देन आपके लिए जो एल्यूमिनियम की एनोड रॉड है वो एक बेटर चॉइस रहेगी, क्योंकि नो डाउट आपके जो मैग्नीशियम की एनोड रॉड है वो सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन देगी आपके गीजर को। लेकिन जब आप एक मैग्नीशियम रॉड को अगर हार्ड वाटर वाले एरिया में लगाते हो तो वो काफ़ी जल्दी कंज्यूम हो जाएगी एंड आपको इसको मोर फ्रिक्वेंटली चेंज करवाना पड़ेगा, एंड इसी वजह से जो अपना मैग्नीशियम रॉड है वो एक हार्ड वाटर वाले एरिया में
एक इतना इकोनॉमिकल डिसीजन नहीं होगा। बाकी अगर आपके गीजर के पानी में से रॉटन एग जैसी स्मेल आती है, यानी कि सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है, और यू कैन से सल्फरस ऑडर आता है, तो आपके लिए यहाँ पे जिंक एल्यूमिनियम वाली जो एनोड रॉड है वो बेस्ट रहेगी। लेकिन मोस्टली गीजर्स में आपको एल्यूमिनियम अलॉय या फिर मैग्नीशियम की एनोड रॉड ही मिलेगी। बट अगर आप चाहो तो इन फ्यूचर आप किसी भी टाइप की एनोड रॉड को किसी अदर टाइप की मटेरियल वाली एनोड रॉड से चेंज कर सकते हो। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्या हमारे गीजर में एनोड रॉड होना मस्ट है। सो यार जरूरी तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक स्टोरेज गीजर ले रहे हो तो ज़रूर से आप एक एनोड रॉड वाला गीजर ही लो। और आपको मैं ये भी चीज़ इजीली कह सकता हूँ कि अगर आपके गीजर में एनोड रॉड है एंड अगर आप उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करवाते हो तो आपकी गीजर की जो ओवरऑल लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। एंड उसके जो अदर फायदे हैं वो मैं आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ। और बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आपको मेरी बातों पे, मेरी रिसर्च पे एंड मेरे एक्सपीरियंस पे थोड़ा ट्रस्ट तो हो ही गया होगा। सो डिस्क्रिप्शन में आपको इस आर्टिकल की लिंक मिल जाएगी जिसमें मैंने जो अपने बेस्ट रिकमेंडेड गीजर्स हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताया है। तो अगर आप चाहो तो इन गीजर को भी कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप इन दी गई लिंक से कुछ भी बाय करते हो तो आपके प्राइस को चेंज करे बिना इस चैनल को सपोर्ट होगा। एंड अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपका कोई गीजर से रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस फॉर्म में पूछ सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।